हैंड वॉश एंटी बैक्टीरियल बनाने का तरीका बहुत ही आसान है आप इसको बना के इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं इसको आप हर जगह बेच सकते हैं ये बहुत ही कारमद चीज़ है और आज तो ये जो है ये हर जगह इस्तेमाल होता है हाथ धोने के लिए हर घर में इस्तेमाल होता है और हैंड वॉश हर होटल में रखा होता है हर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रखा होता है जहाँ भी वॉश बेसन होता है वहाँ पर यह लगाया जाता है तो आए हम जो है आपको ये तरीका सिखाते हैं पाँच लीटर एंटी बैक्टेरियल हैंड वॉश बनाने का तरीका इसमें सबसे पहले हमें एस एल ई एस हंड्रेड मिली लीटर सोडियम लोरे इथेल सल्फेट चाहिए होगा एस एल ई एस पंद्रह सौ मिली लीटर डेढ़ लीटर हमें चाहिए टोटल एक लीटर अलग और पाँच सौ मिली लीटर अलग फिर हमें सी ए पी बी सी ए पी बी का का मटेरियल ढाई सौ मिली लीटर चाहिए ये जो है ये बड़ा ही अच्छा फोम बोस्टर है सी ए पी बी हमें ढाई सौ चाहिए उसके बाद हमें सी डी ई यानी कोको डाइमोलिन खुशबू के लिए हंड्रेड मिलीलीटर चाहिए उसके बाद जो है यह भी जो है वेलोसिटी बिल्डर है उसके बाद हमें पॉलीक्वाइड डेढ़ सौ मिली चाहिए पॉलीक्वाइड जो है वो पोली के नाम से भी आ जाता है यह जो है ये मॉइस्चर अपने हाथ के अंदर रहने देता है ताकि हाथ एकदम खुश ना हो जाए पोलिकोट्रीन डेढ़ सौ मिली लीटर चाहिए उसके बाद हमें आर वाटर तीन लीटर चाहिए क्योंकि हम पाँच लीटर बना रहे हैं उसके अलावा हमें पर्ल पेस्ट हंड्रेड मिली चाहिए पर् पेस्ट जो है ये हमारे इसमें शाइनिंग पैदा करेगा फिर एंटीबैक्टेरियल पाँच से दस मिलीलीटर लीटर चाहिए एंटीबेक्टेरियल फिर फ्रेंगेस या खुशबू जिस तरह की आप चाहेंगे एसेंस वो आप ले सकते हैं और ये अपने हैंड वाश में डाल सकते हैं उसके बाद आप ये फूड कलर जो भी आप हैंड वाश के लिए चाहिए मैं तो पिंक कलर का ले रहा हूँ आप जो चाहें और उसके अलावा साल्ट पाउडर या नमक जो है वो हंड्रेड ग्राम तक एन सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं ये जो है ये हैंड वाश में थिकनेस पैदा करेगा यानी उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देगा आए अब बनाने का तरीका शुरू करते हैं सबसे पहले हमने एस एल ई एस सोडियम लॉरे इथे सल्फेट जो है वो एक लीटर जो है वो हमने अपने प्लास्टिक के जग में या अगर आपके पास बीकर है तो उसमें डाल दें एस एल ई एस एक लीटर हमने अपने खाली जग में या खाली बीकर में डाला ये आप देखें एस एल एस एल ई एस जो है ये गलेसरीन की तरह एक गाढ़ा महलूल है ये आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेना है कोई सस्ती क्वालिटी का नहीं लेना आप देखिएगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और यह गलेसरीन की तरह ज़रा गाढ़ा होना चाहिए ये हमने डेढ़ लीटर इसके अंदर डालना है क्योंकि हम पाँच लीटर जो है वो हैंड हैंडवाश बना रहे हैं पहले हमने एक लीटर एस एल ई एस डाला अब हम 500 मिलीलीटर यानी डेढ़ लीटर जो है वो हम इससे अपने खाली जग में या खाली बिकर में डेढ़ लीटर एस एल ई एस डाल देंगे उसके बाद जो है हम सी ए पी बी कोको मेडोपालीन बुटीन ये हम 250 मिलीलीटर इसके अंदर डालेंगे ये जो है ये फ़ोम बनाता है यानी जैसे हम साबुन हाथ में डालकर आप रगड़ते हैं आप जब ये रगड़ेंगे हाथों को तो ये एकदम जो है हाथ के अंदर फोम बना देगा जितना जितना ज़्यादा आप रगड़ते जाएंगे इतना ज़्यादा ये फोम बनाते जाएगा अब हम इसको एक लकड़ी की मदद से या स्टील के चम्मच की मदद से इन दोनों मैलूलों को जो से डेढ़ लीटर वो है एस एल ई एस और ढाई सौ में लीटर दूसरा है उसको हम खूब आपस में मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो किसी ग्रैंडर से या किसी मथानी से भी मिक्स कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह भी लकड़ी या स्टील के चम्मच से आप इसको मिक्स कर देंगे आप जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे आप देखेंगे ये जो है ये वेस्टिन की तरह मोटा पेस्ट होता जाएगा यानी गाढ़ा होता जाएगा उसके बाद आप इसके अंदर सी डी ई एनि कोको डायटोमलेट जो है वो इसमें आप हंड्रेड मिली लीटर डाल देंगे ये जो है गुड वेसिलिटी है यानी कि ये जो है ये हाथ में खुश्की पैदा नहीं होने देता ये हमने अपने इस जो गाढ़ा वाला हमने मैल बनाया था उसके अंदर हमने ये हंड्रेड मिली लीटर डाल दिया ये बोतल हमने खाली कर दी अब हम इसको दोबारा अपने गाढ़े मैलोल को मिक्स करेंगे ताकि वो जो हमने अभी इसके अंदर हंड्रेड मिली डाला है वो उसको आपस में मिल जाए ये तीनों महलूल हम आपस के अंदर मिला देंगे आप देखें वो बहलुल कितना गाढ़ा हो गया उसके बाद हम जो है इसके अंदर पोलिकोटोमाइन जो है वो डेढ़ सौ मिली डाल देंगे ये जो है ये हाथ में मॉइस्चर पैदा करता है यानी कि जब आप हैंड हैंडवाश से हाथ धो करके और बाहर जाते हैं तो हाथ आपके बिल्कुल एकदम खुश नहीं हो जाते बल्कि थोड़ा बहुत उसके अंदर नमी सी रह जाती है जिसके वजह से हाथ की जील जो है वो खुश्की से फटती नहीं है इसका ये फायदा है ये इसलिए हैंड वॉश में जो है वो डाला जाता है अब ये भी हम डाल के इसको भी हम अच्छी तरह से उस अपने गाढ़े महलूल में मिक्स कर देंगे ताकि ये जो है ये चारों महलूल यकजान हो जाए आप चाहें तो किसी मथानी की मदद से या इलेक्ट्रिक ग्राइंडर की मदद से भी इसको आपस में मिक्स कर सकते हैं और चाहें तो स्टील की रॉड से हैंड वाश बेस जो है वो आपका तैयार हो गया अब आप देखेंगे हैंड वॉश बेस जो है वो कितना मोटा है लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो ये काम नहीं करेगा उसके बाद हम इसमें दो लीटर आर पानी या साफ़ पानी इसमें मिक्स कर देंगे जो हमारा गाढ़ा महलूल था वो हमारा तकरीबन डेढ़ से पाँच दो लीटर था और उसमें हमने दो लीटर पानी मिला दिया उसके बाद एक लीटर पानी हम इसमें और डालेंगे यानी तीन लीटर पानी हमने अपने डेढ़ दो लीटर महलूल में डाल दिया ये हमारा क्योंकि हम पाँच लीटर का हैंड वॉश बना रहे हैं अब हम इसको दोबारा मिक्स करना शुरू करेंगे इसे हम बहुत आहिस्ता आस्ता से मिक्स करेंगे ताकि हमारा ये लहलुल महलूल जो है ये नीचे ना छलके और ऐसा ना हो कि ये गिरे इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इस महलूल को पानी में अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब आप देखें कि ये हमारा बड़ा बेहतरीन मिक्स हो गया उसके बाद हम इसमें फिंगस या कोई सी भी खुशबू जो आप चाहें हैंड वाश में आप चाहें तो गुलाब की डाल दें आप चाहें तो नींबू की डाल दें जो भी आपको चाहिए वो आप एंटीबैक्टीरियल जो है वो एसेंस या खुशबू लेकर आए और पाँच से दस मिलीलीटर जो है वो इसके अंदर डाल दें यानी पाँच से दस कतरे या पंद्रह कतरे आप इसमें डालेंगे तो इसके दो फायदे होंगे एक तो यह एंटीबैक्टेरियल भी है और दूसरे ये कि इसमें खुशबू भी आएगी जब कोई हैंड हैंडवाश को, को इस्तेमाल करेगा तो उसमें खुशबू आएगी उसके हाथों से अब इसको भी जो आपने डाला है अभी एसेंस वो या फ्रेंगेस एंटीबैक्टेरियल उससे जो है मिला दें उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो साल्ट पाउडर डालेंगे साल्ट पाउडर क्या करेगा सोडियम क्लोराइड जो है वो इसको हमारे हैंड वाश को थोड़ा सा मोटा कर देगा यानी कि थोड़ा सा थिकनेस इसमें पैदा कर देगा इसको गाढ़ा कर देगा तो आए सौ सौ ग्राम अब हम इसमें खाने वाला नमक डाल देते हैं डालने के बाद अब हम इसको जो है और दूसरा जो है ये हमारा जो है ये पी को भी लेवल कंट्रोल रखेगा अब हम इसको जो है इस अपने जो अभी हमने नमक डाला है इसको भी इसी मैलूल में हल करेंगे इसको हम मुसल हिलाते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे ताकि जितने भी हमने महलूल डालें वो सारे हो जाएं अब आप देखें आप जैसे जैसे इसको हिलाते जाएंगे इस नमक डालने के बाद ये महलूल जो है ये गाढ़े से गाढ़ा होता जाएगा पहले ये काफ़ी जब हमने तीन लीटर पानी डाला था तो बिल्कुल पतला पानी था उसके बाद जो है हमने इसके अंदर जब नमक डाला तो ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया अब हम इसको जो है मुसलसल हिलाते जाएंगे जिसको हम मिलाते जाएंगे इतना ही गाढ़ा तो जाएगा उसके बाद हम आप हम इसकी क्वालिटी भी चेक करते रहेंगे जब हम देखेंगे कि गाढ़ा हो गया तो फिर हम इसमें जो है कलर लिक्विड जो है वो डाल देंगे जो हम एक जेल टाइप कलर होगा वो डालेंगे और अभी हमारे पास पर्ल पेस्ट भी है पर्ल पेस्ट क्या करता है पर्स पेस्ट जो है वो हमारे इस महलोल में शाइनिंग पैदा करेगा यानी देखने में वो महलूल जो आपका हैंड वॉश है बहुत ही खूबसूरत लगेगा तो हंड्रेड मिली ये जो है ये पाउडर फॉर्म में भी आता है इस पाउडर फॉर्म में अगर आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में ला के पानी मिला के उसको आप जो है वो जेल की सूरत में कर सकते हैं और अगर चाहें तो मार्केट से जेल की सूरत में भी मिलता है ये जो है ये इसमें शैम्पू में भी डलता है और ये हम हैड वॉश पे भी डाल रहे हैं ताकि हैंड वॉश जो है हमारा देखने में बहुत ही ख़ूबसूरत नजर आए और इसमें बड़ी शाइनिंग नज़र आए उसके बाद जब हमने ये पल डाल दिया पल शाइन पाउडर या पल शाइन जेल तो अब हम इसको हिलाने की मिला इसको हिलाएंगे और इस सारे मिक्सचर को यकजान कर देंगे यानी इस मिक्सचर को हम मिला करके अब आप देखें कि हमारा जो हैंड वॉश है वो कितना खूबसूरत तैयार हो गया आप चाहें तो इसको वाइट कलर में भी रख सकते हैं चाहे तो इसमें जैसा कलर आपको चाहिए आप उसी कलर का जो है वो उसमें मिक्स कर देंगे अब हम जो एक्टिव मटेरियल पाँच से दस मिलीलीटर जो है वो हम दोबारा इसमें दो से तीन ड्रॉप और डाल देंगे यानी पाँच से दस मिलीलीटर हमने पहले डाला था पाँच से दस मिलीलीटर हम पर शाइन डालने के बाद डाल देंगे ताकि ये जो हमारा हैंड वॉश है ये सही तौर पे एंटीबैक्टेरियल हो जाए और इसमें हमने पहले नमक भी डाला है उसकी वजह से हमारा पीएच भी कंट्रोल है अब ये जो हमारा एंटीबैक्टेरियल एंटीसेप्टिक लिक्विड जो है वो हमारा तैयार हो गया ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का हैंड वॉश तैयार हुआ है अब आप चाहें तो इसमें जो है ये पिंक कलर का आप डाल दें पिंक कलर का जो है ये कलर ये आप डालेंगे तो गुलाबी से कलर का आपको तैयार हो जाएगा ऑरेंज रेड फूड कलर लिक्विड टाइप आपने लेना है वो लेकर के आप इस पाँच लीटर के महलूल में डाल देंगे आप जैसे इसको डालेंगे आप देखेंगे कि इसका आपके जो महलूल तैयार है जो वाइट कलर था यह आसा आस्ता गुलाबी से कलर में तब्दील हो जाएगा ये फूड कलर है इसलिए ये कोई खास नुकसान नहीं देता अब आप इसको दोबारा हिलाना शुरू कर दें आप देखें कि आहिस्ता आिस्ता ये महलूल जो है यह अपना रंग बदलता जाएगा ये बड़ा बेहतरीन हैंड वॉश जो है ये ऑरेंज कलर का आपका तैयार हो रहा है आप देखें इसमें कितनी शाइनिंग है और ये क्योंकि आपने ख़ुद तैयार किया इसलिए आपको इस पर भरोसा भी है और ये हमारा जो हैंड वाश है पाँच लीटर एंटी बिक्टोरियल हैंड वाश ये इस्तेमाल के लिए तैयार है आप चाहें तो इसको पैक करके अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं और चाहें तो इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं बड़ा बेहतरीन ये जो है आप देखें कितना ज़बरदस्त जो है हैंड वाश तैयार हो गया है उसके बाद आप मार्केट से जो है हैंड वाश की खाली बोतलें लेके आए ये आपका जो है ये तैयार है इसको आप उन बोतलों में भरें और इसकी मार्केटिंग करें ये भी हैंड वाश आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि बहुत ही इस्तेमाल होने वाली चीज़ है ये हर जगह इस काम आती है अभी आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं ये हमने एक शीशे के बाउल में जो है इसको उंडेल रहे और आपको दिखा रहे हैं कि इसकी ज़रा क्वालिटी देखें कि ये कितना बेहतरीन एंटीबैक्टोरियल हैंड वाश बन के तैयार हो गया ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान और इंतहाई सस्ता हैंड वॉश है जो कि तैयार हुआ है आप चाहें तो इसको बड़ी खूबसूरत सी बोतलों में आम मार्केट में मिल जाता है उसमें पैक करके उस पर आप अपने स्टिकर लगा के इस तरह की बोतलें आपको आम बोतल मार्केट से मिल जाते हैं उसके ऊपर आपको स्टिकर भी मिल जाएंगे वो लेकर कर आएँ और उस इनको भरें और उसके बाद अब इनको मार्केट में ले जाएँ और इनको बेचने की कोशिश करें ये एक अच्छी प्रोडक्ट है जो इंतहाई सस्ती है और इसमें एक बोतल पे कम से कम हमारा पच्चीस से तीस रुपए खर्चा आया है जबकि ये मार्केट में बासानी सौ या एक सौ बीस रुपये का बिक जाता है जैसे दुकानदार से आपकी डील हो आप उसी तरह से बेचें और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत है उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी और पिछली वीडियो की तरह इसमें भी मैंने आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखाई है ताकि आप जो है वो घरों से निकलें और कोई ना कोई काम शुरू करें और कोई ना कोई रिस्क तलाश करें बहुत शुक्रिया